जय हिंद दोस्तों। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे कुकमैन यूनाइट के एक न्यू वीडियो में। तो आज हम खेलने वाले हैं बल्बासोर से। आपको पता ही होगा अपडेट के बाद बल्बासोर को एक नया बफ मिला है, तो हम बल्बासोर के साथ खेल रहे हैं अभी। ये नीचे हम नीचे जा रहे हैं नीचे की लेन में, और हमारे साथ आया है एप्सन, और मिड लेन में गए हैं हमारे ग्रेनिंजा जो कि अभी प्रोग्रेडियर है, और टॉप लेन में गए हैं अपने शरीना और गाड़ी पर। तो अभी हम अपने एप्सन को मदद करते हैं क्योंकि उसका एचपी बहुत लो था और हमें एनपीसी भी चुराना है, तो हम इसको मारते हैं। मर गया गार्सम का बच्चा। तो अभी हम जाके स्कोर कर देंगे, और यहाँ पे आ चुका है जेरोरा, तो जेरोरा को मारने की कोशिश करेंगे। अभी तो एचपी लो है, थोड़ा सा आगे जाके एचपी बढ़ा के लाते हैं और फिर मारने की कोशिश करेंगे। और जेरोरा को मार दिया अपने प्रोगोडियर ने, तो हमको बचाना है प्रोगोडियर को क्योंकि उसका एचपी लो कर दिया था गार्सम। तो अभी हम तो नीचे ही हैं और 20 भी आ चुके हैं, और आपको बता दूं हमने यूज़ किया है फोकस बैन, चॉइस फ्लेक्स और मसल बैन, ये तीनों हेल्थ आइटम्स यूज़ किए हैं। और एम्बलम से हमने अटक वाला एम्बलम्स यूज़ किया है, और अभी हम इधर ग्रेनिंजा को बचाने की कोशिश करेंगे, और जेरुआ को भी मार दिया हमने, और अभी ट्राई करेंगे इनका एनपीसी चुराने को। अगर आपको पता ना तो मैं बता दूँ एनपीसी का फुल फॉर्म होता है नॉन प्लेयर कैरेक्टर, जो कि कैरेक्टर अभी खेल ही नहीं रहा, मतलब बॉट्स। तो अभी हम मारने की कोशिश करते हैं इसे, और ये मर गया गार्सम। अभी 4 का स्कोर भी कर लेते हैं, और भाई इस बार में इस वाले मैच को रिकॉर्ड करने में भाई 10 मैच खेल लिए थे इसके पहले, कोई भी ढंग का टीममेट ही नहीं मिल रहा था। अभी इस बार एकदम सपोर्टिव टीममेट लें तो कि अच्छा है, हमें सपोर्ट कर रहे हैं नीचे आके हमारे साथ ही रह के। अगर आपको भी ऐसे सपोर्टिव टीम मिल जाए तो अच्छा है। और हमने लिया है गीगा ड्रेन और पेटल डांस क्योंकि इन दोनों को बॉक्स मिला है अभी, और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो अभी हम जितना हो सके उतना फार्म करके अपने एचपी बढ़ाएंगे, और उसके बाद स्कोर करके अपना लेवल बढ़ाएंगे। और मिड पे 20 भी आ चुके हैं, तो चलते हैं 20 को मारने, और बंदे भी आ चुके हैं तो मदद करते हैं इसकी आप सब की। ओहे दोनों को मार दिया, नाइस भाई। इन तीनों का मैंने एचपी बहुत लो कर दिया था, पर क्या करें, आसोल ने चुरा लिया किल, कोई बात नहीं। अभी नीचे क्या है, अच्छा नीचे रेजी रॉक आया, तो इसको मार के हम अपना एक नया बफ ले लेंगे, और अपने टीम को भी हेल्प हो जाएगी। और ऊपर गाड़ी बस सरीना और ग्रेनिंजा ने तो रेजले के लिए ही लिए, तो बस अभी हम यहाँ नीचे डिफेंड करेंगे क्योंकि हमें कोई फ़ायदा नहीं है आगे जाके, हमें नीचे रह के डिफेंड ही करना है और थोड़ा थोड़ा फार्म भी करना है। अच्छा नीचे आ गया भाई जरूर स्कोर करने, जैसे मैं ऊपर आया नीचे जरूर आ गया, इसको भी मारेंगे। इस वाले मैच में भाई जरूर को गंदा मारता हूँ मैं हर बार, जरूर तो एक स्पीडस्टर है फिर भी नहीं मार पाया मेरे को, हर बार उसे गंदी तरह कैसे मारता हूँ मैं, देखना आप आगे। और यहाँ पे हमारा लेवल 9 हो चुका है, और उसके साथ हमें यूनाइट मूव भी आ चुका है, तो यूनाइट मूव का भी सही सोच समझ के इस्तेमाल करना है। और फिर हमने यहाँ पे कॉल्स वगैरह आ रही थी मुझे, तो मैंने म्यूट कर दिया, और यहाँ पे 20 चुराने लग गया। और अभी चलते हैं थोड़ा आगे जाके स्कोर करने की कोशिश करेंगे, और हमारे सरीना और भाई जरूरा इधर सरीना को मार दिया, इसको देखो इससे को कैसे मारते हैं अभी, हमें मुझे पता था भाई ये पीछे ज़रूर आएगा, तो मैंने यहाँ पे वेट ही कर रहा था उसका। जैसे पीछे आया भाई पेट्रोल लेंस चला के और गीगा ट्रेन के साथ हमने मार दिया उसे। अभी हम नीचे जाके अपने बेस को डिफेंड करेंगे ताकि हमारा बेस कोई तोड़ ही ना दे, उनको कोई स्कोर करने का मौका ही नहीं देना चाहते।
और यहाँ पर आ चुका है अपना डिफेंडर ब्लास्टोइस, तो हमें इसको भी मारना है। अभी थोड़ा आगे जाके इसको भी छुपा होगा, इसको जाके मारते हैं हम ब्लास्टोइस को। ही आ गया आगे, चलो आगे जाके इसको मारने की कोशिश करते हैं। और हमारे पास यूनिट मूवी है तो इसको भी यूज़ कर लेते हैं, इसी अंदर बचा के कोई फ़ायदा ही नहीं है यूनिट और ऊपर रेजली के आ चुका है, तो अभी तो हम नहीं जा सकते और क्योंकि इधर ब्लास्टोइज भी हैं और रेजी स्टील भी आ चुका है उसका। भाई इसने यूनिट चला दी तो हमें भी मजबूरन होकर यूनिट चलानी पड़ी, और इसको भी हम मार लेंगे क्योंकि हमारे पास बॉडी शील्ड नहीं थी तो हमें एक्स्ट्रा शील्ड नहीं मिला। तो इसके साथ हम आते हैं बेरी खाने के लिए और जाएंगे ऊपर स्कोर करने सीधा, और चारों बंदे ऊपर अपने अपने काम कर रहे हैं। और अगर आपके पास कोई टीम हो तो अच्छा है, बहुत तो नहीं तो भाई पूरा ही फंसोगे जैसे मैं फंस गया था। अभी चार चार पांच पांच में ऐसे ही खेलने पड़ते हैं और माइनस हो जाता है बहुत भयंकर। अगर आपको भी मेरे साथ खेलना है तो आ जाना मेरे साथ, अपने डिस्कॉर्ड का लिंक दिया है नीचे, तो डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन से लिंक क्लिक करके आ जाना। अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिनी ब्लॉग्स को शॉर्ट्स में डालने की कोशिश करूँगा ताकि आपको भी ब्लॉग्स देखने को मिल जाए। और अभी ये सारे उठा लेते हैं पॉइंट्स, और इधर जरूरा है और लास्ट भाई तीन तीन मतलब अब तो गया मैं, फिर से हम आके इन तीनों को बदला लेने और तीनों को पकड़ पकड़ के मारेंगे। अभी हम ये गया जरूरा बच गया भाई, भागे भाग गया, गार्ड चम जाएगा अभी, गार्ड चम गया। और इधर ब्लास्टोस से ब्लास्टोस को भी मार दिए, नाइस ग्रेन निंजा ने ब्लास्टोस को मार दिया, और जरूरा भाग गया कहीं घास फूस में, कोई बात नहीं उसको भी मारेंगे। अभी हमारे पास थोड़ा सा एचपी कम है, फिर भी ट्राई करेंगे आगे जाके स्कोर करने की। अभी तो रिक्वेस्ट आने वाला है तो हम पीछे आ गए, बेस्ट मतलब हील करके फिर मिड पे ही जाएंगे, और मिड पे जाने से पहले हम नीचे थोड़ा डिफेंड कर लें ताकि कोई आके 50 का स्कोर ना कर दे जिससे हमें डिसएडवांटेज हो जाए। और पोकेमॉन वाले तो पोकेमॉन यूनिट वाले कोई नया अपडेट नहीं ला रहे हैं अभी तक, कोई ऐसा न्यू इंटरेस्टिंग पोकेमॉन या फिर मैप्स या फिर कुछ हेड आइटम्स तो भाई बोरिंग सा लगने लगा है, इसीलिए मैं थोड़ा व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। और इधर शरीना को बचाने के लिए हम आ गए और इसने चला दी अल्टीमेट, नाइस। अभी ये गया जरूरा, नाइस। इस वाले मैच में भाई बहुत ही ज़्यादा पीटा हूँ मैं जरूरा को, और इधर हेल्प करेंगे ग्रेनी जाएंगी और भाई मर गया ये, कोई बात नहीं। और एक बार लेने की कोशिश चल रही तो हम भी भाई ले लिए उसने, और फिर हम मारने की कोशिश करेंगे इनको स्कोर होने से, और फिर स्कोर होने के लिए हम आगे जाएंगे ताकि हम स्कोर करके थोड़ा सा चेक कर पाए स्कोर ज़्यादा का। और हमने ऊपर जाने की बोली और गाड़ी पर नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर हमने 48 का स्कोर था हमारा तो हमने 48 का स्कोर कर दिया, और गाड़ी पर तो नहीं कर पाए नीचे। अभी हम पीछे भागते हैं और कुछ और स्कोर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इसको मार के ब्लू बफ वाले पोकेमॉन को मार के हम यहाँ पे 7 का भी स्कोर करेंगे। अगर आपको पता है इस ब्लू बॉक्स वाले पोकेमॉन का नाम तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे हम मर जाते हैं भाई गंदा वाला, दोनों ही पीट रहे हैं हमें। तो इसी की तरह रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं, और इस तरह हम लोग जीत जाते हैं 602 से। और जैसे कि देख सकते हैं MVP मैं हूँ बीनेश्वर, और किल 7 है और डैमेज है 60,000 का। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक।